और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर पहले चरण का सिकंदर कौन होगा, इसको लेकर क्या समीकरण बन रहे हैं और क्या कुछ जो सियासी मायने यहाँ पर निकल रहे हैं वो आपको बताते हैं। जंगल महल के 5 जिलों में 30 सीटों पर चुनाव होगा पहले चरण में। पुरुलिया, झारग्राम, बांकुड़ा, पूर्वी मेदिनापुर, पश्चिमी मेदिनापुर में चुनाव होना है। इसके अलावा 27 मार्च को समझ लीजिए कि यहाँ पर पहले चरण की वोटिंग होगी। और देखिए वो कौन कौन से जगह है, दरअसल आपको एक एक हम जिले का नाम बता रहे हैं क्योंकि 27 मार्च को यहाँ पर वोटिंग होनी है और साथ ही साथ 191 उम्मीदवार मैदान में हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 48 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस हैं, सोचिए 48 इनकी संख्या है 48, तो वहीं 96 उम्मीदवार 5वीं से 12वीं तक पड़े हुए हैं महज। 2016 के इन 30 सीटों पर नतीजे की बात करें तो लेफ्ट फ्रंट पर यहां पर 30 में से 3 सीटें उसके खाते में गई थी बीजेपी का। यहां खाता तक 2016 के विधानसभा चुनाव में नहीं खुला था और इसके अलावा वोट शेयर टीएमसी को यहां 50.39% इन 30 सीटों की हम बात कर रहे हैं। वोट शेयर यहां सीपीएम को 19.1% मिला था। तो पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां। दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर और नंदीग्राम में सभाएं करेंगे। नंदीग्राम में सीएम योगी शुभेंदु अधिकारी के लिए वोट मांगेंगे, उनके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में पूरी जान पूरी ताकत यहां पर सभी पार्टियों के दिग्गज लगाएंगे। यूपी के सीएम योगी की आज रैली होनी है। शुभेंदु अधिकारी के जो नंदीग्राम से ताल ठोक रहे हैं उनके लिए आज नंदीग्राम की जनता से वो वोट मांगेंगे। देखिए कहां कहां कार्यक्रम रहेगा योगी आदित्यनाथ का, 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। आज बंगाल का दौरा, गंगा सागर भी पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। सीधी के गढ़ में योगी की हुंकार, नंदीग्राम में दीदी का क्या होगा, बंग में भगवा लहर, टीएमसी पर कहर। पहले चरण के मतदान को लेकर बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है। आज पहले चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा बीजेपी के स्टार प्रचारकों की पूरी फौज आज बंगाल में नजर आएगी। इन स्टार प्रचारकों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल। आज सीएम योगी दक्षिण 24 परगना जिले के सागर, पूर्व मेदिनीपुर के चंद्रकोणा और नंदीग्राम विधानसभा में रैली करेंगे। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच मुकाबला है। योगी आज अधिकारी के लिए वोट मांगेंगे। टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते, और याद करना 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जिन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। बीजेपी जितना भी खतरा मेरे को कर सकता है करने दो, हम उसको कोई केयर नहीं करती हूँ, लेकिन एक बार जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की हिंदुत्व वाली आक्रामक राजनीति के बड़े चेहरे हैं और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में योगी के कैंपेन को बीजेपी बेहद उपयोगी समझती है क्योंकि बंगाल में एक बड़ी मुस्लिम आबादी है जिससे यहां धार्मिक ध्रुवीकरण आसानी से हो सकता है। बंगाल की 30% आबादी मुस्लिम है और करीब 100 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है, इसीलिए बंगाल में हिंदुत्व वाले बीजेपी के फॉर्मूले में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल फिट बैठते हैं। बंगाल में उनका प्रचार मुस्लिम बहुल इलाके मालदा से शुरू हुआ था। वो अपने प्रचार अभियान में लगातार भगवान राम, गाय, लव जिहाद, तुष्टिकरण का मुद्दा उठाकर टीएमसी को घेर रहे हैं। मैं ममता दीदी से कहना चाहता हूँ, राम से विरोध मोल मत दीजिए, राम का विरोध मत करिए। जिसने भी राम का विरोध किया है सत्ता से उसे वंचित होना पड़ा है, और यही कार्य आज बंगाल के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जय श्री राम कहने पर प्रतिबंध लगाने के कारण बंगाल की जनता के एक एक जनता के मुंह से शब्द निकलता है जय श्री राम। ताई मानुष तुम्हारे साथ आज के नहीं, ताई तुम्हारे की हमारे खून करता है, हमारे खून करने भावचो तुम्हें जीते जावे आरो गोल ना पावे, मोड़े रख में खेला होवे, बीजेपी खेला होवे। ममता और कभी उनके करीबी रहे शुभेंदु के बीच चुनावी फाइट के चलते नंदीग्राम सबसे हॉट सीट बनी हुई है। आज सबकी नजरें इसी बात पर लगी होंगी कि योगी यहां ममता को कैसे और किन मुद्दों पर सुनाते और घेरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी की आज 4 रैलियां होनी है। आज गंगा सागर में योगी वर्सेस ममता होगा।
दक्षिण 24 परगना के पत्थर प्रतिमा में रैली होगी। पश्चिमी मेदिनापुर के दांतन में रैली और मेदिनापुर शहर में दोपहर 2:30 बजे रैली होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आज ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ 4 रैलियां करने जा रही हैं। एक और सीएम योगी आदित्यनाथ गरजेंगे, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। तो बंक की जंग में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 4 रैलियां आज ममता बनर्जी करेंगी। गंगा सागर में आज महासमर, बंग की जंग में योगी वर्सेस दीदी। बंगाल में पहले चरण का खेला 27 तारीख को होने वाला है, जब 30 सीटों के लिए मतदान होगा। लेकिन आज इन 30 सीटों पर प्रचार का खेला थम जाएगा। दीदी और योगी के बीच शब्द बाण आज गंगा सागर में चलेंगे, जहां दोनों की रैलियां हैं। हाथ खड़ा करके मेरे सामने जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता बनर्जी आज गंगा सागर के अलावा दक्षिण 24 परगना की पत्थर प्रतिमा, पश्चिमी मेदिनापुर के दांतन और मेदिनापुर शहर में प्रचार करेंगी। बंगाल में भगवा आंधी से दीदी खेमे में खलबली मची है, लिहाजा अब दीदी लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला तेज करती जा रही। खाटू श्याम बाबा का वार्षिक लकी मेला पूरे परवान पर है। जिधर देखो बाबा श्याम के दीवाने हाथों में निशान लेकर खाटू धाम पहुंच रहे हैं। खाटू नगरी श्याम की रंग बिरंगी हुई है और श्याम भक्त हाथों में निशान लेकर हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, 3 बार धारी की जय, बोलो श्याम बाबा की जय, ये जयकारे आकाश में गुंजायमान करते हुए खाटू धाम पहुंच रहे हैं। ये नगर है आस्था का, ये डगर है भक्ति की, ये सैलाब है श्रद्धा का और आकर्षण है बाबा श्याम का। ये गूंज है श्याम के सहारे की और जयकारा है 3 बार गारी के दिव्य अलौकिक स्वरूप का। फाल्गुन का महीना है, वार्षिक लक्खी मेले का मौका है और बाबा श्याम के रंग में सराबोर है खाटू श्याम की नगरी। हर साल की तरह इस बार भी खाटू श्याम की नगरी में आस्था की भीड़ उमड़ी है और श्रद्धा का मेला लगा हुआ है। देश के कोने कोने से श्याम भक्तों का जमावड़ा लगा है। एकादशी के मौके पर श्याम की नगरी में एक अलौकिक आकर्षण का वातावरण है, जहां भक्त अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं। 10 दिन तक चलने वाले लक्खी मेले के आयोजन में COVID-19 की गाइडलाइंस की पालना के लिए तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। इस बार खाटू श्याम के सालाना लक्खी मेले का आयोजन थोड़ा जुदा है। COVID-19 के प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में जाने की इजाजत है। मंदिर और जिला प्रशासन हर कदम पर कोविड गाइडलाइन की पालना के लिए तत्पर और मुस्तैद है। कोरोना काल में बाबा का मेला जो आप देख रहे हैं, आपने भी अभी दर्शन किए हैं, तो कोरोना काल में बहुत फर्क पड़ा है। श्याम प्रेमी पहले भी मेले के 15 दिन पहले आके चले गए, निशान वगैरह चढ़ा के चले गए, और इस वक्त कोरोना बहुत ही 10% या 15% की यात्री आ रहे हैं। देखते हुए आप लोग यहाँ क्या सावधानी रख रहे हैं? यहाँ सैनिटाइजर, मास्क वगैरह जो भी नहीं पहन के आए हैं उनको मास्क वगैरह वितरण कर रहे हैं। जो भी व्यवस्था होती है कोविड की, हम वो पूरा फॉलो कर रहे हैं। एकादशी के दिन खाटू श्याम जी के दर्शन लाभ के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ जाता है।
भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिगजैग लगाए गए हैं। किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो इसके लिए रास्ते में जगह जगह पानी के इंतजाम किए गए हैं। बिस्किट और मधुर पेयजल की भी व्यवस्था है। माहौल को भक्तिमय और संगीतमय बनाने के लिए श्याम भक्ति की धुन बजाई जा रही है। सुगंधित इत्र के फव्वारे लगाए गए हैं। मेरा बाबा चमत्कारी है और हमेशा चमत्कारी रहेगा। जो यहाँ हार के आया है वो हमेशा जीत के जाएगा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हम अजमेर से आए थे, तरन पाली से। क्या मान्यता है बाबा को? हम बहुत दिल से मानते हैं। बाबा का यही है कि वो सबके दिल की बात पूरी करते हैं, उनकी जो भी मान्यता होती है सब पूरी करते हैं, इसलिए हम बाबा के दर पे आए। मांगते हो हमेशा पूरी करते हैं भैया? हाथ पकड़ते हैं, हमेशा पूरी होती है। हाँ जी, हमेशा पूरी होती है। बाबा जो मांगते हम जो मांगते वो पूरी होती है। हारे सारस। मेले में कानून व्यवस्था कायम रहे और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए 3,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। किसी भक्त को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत न हो इसके लिए मेडिकल टीम को लगाया गया है। जिला प्रशासन के सहयोग से मंदिर प्रशासन ने बाबा श्याम के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए हर सुविधा के इंतजाम किए हैं, ताकि हर भक्त एक सुखद अनुभव लेकर बाबा श्याम के दरबार में फिर आने का वादा करके लौटे। खाटू श्याम से जी मीडिया की खास रिपोर्ट।